प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं कि किस स्थिति में राहु देता है सुफल। राहु को बहुत से लोग एक क्रूर ग्रह मानते हैं, अच्छा ग्रह नहीं मानते, पापी ग्रह मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसी कौन सी स्थिति कुंडली में होती है जिससे राहु सुफल देते हैं, और भी राहु के बहुत से फायदे हैं, तो आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। राहु पूर्व जन्म के कर्मों बंधनों को दर्शाता है। राहु जिस ग्रह के साथ युति में होता है वैसा ही कर्म बंधन अर्थात दोष होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राहु शीर्ष है। शरीर के अन्य इंद्रियों के अभाव के चलते इसमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इससे यह धर्म के विपरीत कार्य करता है। आत्मा व परमात्मा के विषय में इसकी रुचि नहीं है, इसके उलट यह माया का दास है। सामान्य रूप से लोगों में यह मान्यता है कि राहु हमेशा ही जातक को खराब फल देता है। राहु केतु चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के क्रांतिवर्त पर भ्रमण नहीं करता, पर क्रांतिवर्त के साथ जुड़ाव रखते हुए भ्रमण करता है। यह परिक्रमण के दौरान क्रांतिवर्त के बिंदु को काटता है। चंद्र के नीचे से ऊपर आते समय जिस बिंदु पर रहता है उसे काटन बिंदु को राहु कहा जाता है, और ऊपर से नीचे जाने की ओर बिंदु पर काटता है उस बिंदु को केतु ग्रह कहा जाता है। राहु केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, पर इन्हें फली ज्योतिष में काफ़ी स्थान महत्वपूर्ण दिया गया है। जीव की हरे कृष्णा का कारक राहु कहलाता है। युद्ध में लड़कर महावीर कहलाने वाले, वीर चक्र प्राप्त करने वाले और युद्ध में प्रेमी जातकों की कुंडली में राहु बलवान होता है। यह स्वतंत्रता का अभिलाषी होता है, केवल अपना मतलब साधने के लिए हर एक व्यक्ति के साथ यह संबंध बनाता है। राहु अक्सर लोगों का आवास, उदस्य और मित्रों में परिवर्तन लाता है। इसमें स्वार्थ की भावना अधिक होने से यह शत्रुता में बढ़ोतरी करता है। दुश्मन, रोग, उधारी, ये तीनों राहु के मुख्य गुण हैं। राहु का प्रभाव जिन पर होता है वे मंगल जैसे जोशीले नहीं होते, बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर, बहादुर और निडर होते हैं। इस तरह का गुण रखने वाले राहु का कलयुग में प्रभाव बढ़ जाता है। राहु पृथ्वी के गूढ़ तत्व, रहस्यों और अगोचर दुनिया की जानकारी देता है। राहु जब बुध की राशि में होता है तब अधिक बलशाली हो जाता है। राहु कन्या राशि में बलवान होता है। राहु की खुद की कोई राशि नहीं होती, इसलिए वह जिस भी स्थान में होता है उस स्थान से अधिपति जैसे ही फल देता है। यदि राहु अकेला ही केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो तो वह केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी के साथ युति करता है, योग कारक बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तृतीय, षष्ठ और ग्यारहवें मतलब एकादश भाव में बलवान बनता है। अगर राहु जातक की कुंडली में शुभता प्रदान करने वाले स्वामी के साथ युति करता है तो वह जातक की दशा अंतर दशा में भी शुभ फल देता है। राहु जिस ग्रह के साथ होता है वह उस ग्रह की प्रवृत्ति में विकृति लाता है। जहाँ शुक्र राहु की युति जातक को कामुक बनाती है, वहीं इसकी गुरु के साथ युति गुरु के चांडालियों को भी जन्म देती है। गुरु व शुक्र जिस भाव के स्वामी होते हैं उसके अनुसार ही लाभ या नुकसान देते हैं। राहु मंगल का वृश्चिक राशि से संबंध एक प्रकार विशेला संबंध बनता है। जैसे अफीम, गांजे, शराब और चर जैसी वस्तुओं पर राहु का प्रभाव होता है, ऐसे धंधे में राहु फायदा कराता है। राहु अगर शुभ बुद्ध के साथ हो तो वह जातक को एक अच्छा व्यापारी, वैज्ञानिक भी बनाता है। हालांकि अशुभ स्थान पर स्थित बुद्ध जातक के लिए अशुभ परिणाम लाता है। राहु कुंडली के छठे, आठवें और बारहवें के स्वामी के साथ अथवा छठा, आठवां और बारहवें के भाव में अशुभ फल देता है। राहु ज्ञान के भी कारक कहलाने से यदि पापग्रहों की संगत में होता है तो मंद बुद्धि या पागलपन की स्थिति पैदा करता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि राहु हर इंसान की कुंडली में भिन्न भिन्न प्रकार का फल प्रदान करता है। जो कुछ उदाहरण थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप कुंडली विश्लेषण करवा के राहु के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये कुछ राहु को लेकर जानकारी थी। इसके अलावा जीवन से जुड़ी और परेशानी जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, भाग्योदय को लेकर, रतन रंग अंक को लेकर,
कुंडली विश्लेषण ग्रह क्लेश से मुक्ति, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी के नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।